रिश्ता ब्राय घर दामाद, अगर आप घर दामाद बनना चाहते हैं या इस तरह के रिश्ते की आप तलाश में हैं तो आपके लिए मेरी आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है, बीच में स्किप नहीं करना। हेलो हाय इस किस्म के मैसेजेस से बिल्कुल गुरेज करना है। जब भी आप मैसेज में रब्ता करें मुकम्मल अपनी प्रोफाइल बना के मुझे टेक्स्ट मैसेज किया करें, वॉइस एसएमएस करेंगे तो आपको उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये इस्लामाबाद बेस्ड जो है फैमिली है, बच्ची फैमिली वगैरह जो है इस्लामाबाद में, वालिद इसके बिजनेसमैन है, एक कनाल का इनका इस्लामाबाद में भी घर मौजूद है, लाहौर में भी ज़ाती घर मौजूद है, प्रॉपर्टी वगैरह भी है। इस वक्त जो बच्ची है वो लाहौर में जॉब कर रही है, गवर्नमेंट मुलाजिम है और ग्रेड 18 पे, और तकरीबन 2 लाख इनकी सैलरी बनती है। इनके लिए रिश्ता दरकार है रावलपिंडी इस्लामाबाद या लाहौर से हो या इसके आसपास भी कहीं से भी कोई अच्छा सा मैच मिल जाए तो कर लेंगे। अगर आप मज़ीद इनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो को, वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है आपने। तो इनकी अगर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन इस बच्ची की MBA है और कुछ अरसा इनकी शादी रही थी, उसके बाद इन्होंने खुला ले ली है। बस बच्चे वगैरह इनके नहीं हैं, माशाल्लाह से काफ़ी सेटल फैमिली है। बच्ची का कलर जो है वो फेयर है, गोरा कलर है, माशाल्लाह से काफ़ी अट्रैक्टिव है और बिल्कुल भी ये 33 की लगती नहीं है। 5 फिट 7 इंच इस बच्ची की हाइट है। अगर दोस्तों हम बात करें इनकी रिक्वायरमेंट के बारे में, अगर आप हमारे चैनल ऑनलाइन रिश्ते पे नए हैं या फेसबुक पेज पे नए हैं तो जल्दी से हमारे पेज को भी फॉलो कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद ऐसे रिश्ते देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी लाजमी दबा दें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन रिश्ते, तो मज़ीद ऐसी रिश्ते की वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ जी। तो अगर हम बात करें इनकी रिक्वायरमेंट की कि इनको किस तरह का रिश्ता दरकार है, रावलपिंडी इस्लामाबाद और लाहौर से रिश्ता दरकार है। उम्र की हद जो है वो 30 से लेकर 40 साल की बीच में होनी चाहिए। 5'7" इनकी हाइट है, तो 5'8" 5'9" 5'10" इनकी हाइट जो है कम से कम होनी चाहिए। 5'11" तक भी हो तो मसला नहीं है। गुजर कास्ट हो, जाट हो, अरई हो या इसके अलावा राजपूत हो, शेख भी हो तो कर लेंगे। एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, कम से कम एजुकेशन जो है वो उसकी मास्टर्स होनी चाहिए, मास्टर्स से कम ना हो, और बंदा या तो डाइवोर्स हो या विडो हो, मैरिड वाले से ये नहीं करेंगे। और लड़का दिखने में भी खूबसूरत होना चाहिए, बेशक बहुत ज़्यादा सेटल फैमिली से बिलोंग ना करता हो लेकिन एजुकेटेड हो और अच्छी जॉब वगैरह करता हो, तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। और ताकि लड़का इनके साथ अगर लाहौर में भी रहना चाहे तो लाहौर में भी रह सकते हैं, अदरवाइज अगर वो इनको अपने साथ शिफ्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। लेकिन इनकी मस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पूरी फैमिली एजुकेटेड होनी चाहिए। जस्ट लड़के के पढ़े लिखे होने से गर्ज़ नहीं है, एजुकेटेड फैमिली हो तो ही आप रब्ता करें, अदरवाइज सिर्फ लड़का पढ़ा लिखा हो तो आप रब्ता ना करें। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारी आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रिश्ते के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।